नमस्कार मित्रों। तो आज अपन बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस मूवी ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपके अपने चैनल जीएस की दुनिया में आपका स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध जी ने निम्न में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? बहुत आसान क्वेश्चन है। कुशीनगर, कुशीनगर में किया था और कब किया था? 483 ईसा पूर्व में। और इसी के साथ साथ 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। और कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अजात शत्रु को ही पहला पितृहंता कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने पिता बिंबिसार जी की हत्या कर दी थी। तो नेक्स्ट मित्रों, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। नेक्स्ट मित्रों, महावीर स्वामी की माता कौन थी यानी माता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की जो माता जी थी वो त्रिशला थी और जो त्रिशला थी ये लिच्छवी वंश के चेटक की ये बहन थी। और जो चेटक की जो पुत्री थी उसका नाम था चैलना। चैलना का विवाह हुआ था बिंबसार के साथ। बिंबसार जो कि हर्यक वंश के थे। और बिंदुसार, मित्रों बिंबसार और बिंदुसार में बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होना। बिंदुसार जी जो थे ये मौर्य वंश के थे और जो बिंबसार जी जो थे ये थे हर्यक वंश के और ये यही हर्यक वंश के संस्थापक थे। तो नेक्स्ट मित्रों, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महावीर स्वामी की मित्रों अपन बात करें तो पावापुरी में हुई थी, पावापुरी बिहार में। और कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व। मित्रों याद रखना, जहाँ भी आपको कहीं BC दिख जाए यानी ईसा पूर्व दिख जाए इसमें सब उल्टे चलते हैं ईयर और AC में सीधे चलते हैं। नेक्स्ट मित्रों, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का मूल नाम बात करें तो महावीर स्वामी का मूल नाम था वर्धमान और इनके पिता का नाम बात करें तो सिद्धार्थ हो जाएगा। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम या मूल नाम अपन कह सकते हैं क्या था? सिद्धार्थ था। बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होना, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। नेक्स्ट मित्रों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ दिया था। और इन्हीं के प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ऐसा क्यों कहते हैं कि जब इन्होंने अपना उपदेश दिया था तो जो लोगों ने जो अपने उपदेश सुना था उन्होंने अपने धर्म को बदल दिया और इसी कारण इस उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म के चक्र को परिवर्तन कर देना। तो नेक्स्ट मित्रों, दिलवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चालुक्यों या सोलंकियों ने हो जाएगा। नेक्स्ट मित्रों, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कुंडलवन कश्मीर में की गई थी और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई है 100 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट मित्रों, कौटिल्य या चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य या चाणक्य दिख जाए या आपको विष्णुगुप्त दिख जाए, ये तीनों चाणक्य जी के ही नाम थे। तो ये किसके प्रधानमंत्री हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ मित्रों, मैंने सिकंदर से रिलेटेड पूरा एक वीडियो बना रखा है जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगी क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की भी बात की गई है। तो नेक्स्ट मित्रों, निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अब देखिए, बिंदुसार मौर्य वंश का है, चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य वंश के हैं, इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की है, अशोक भी मौर्य वंश का है, परंतु अजात शत्रु जो पहले पितृहंता हैं ये हर्यक वंश के हैं। नेक्स्ट मित्रों, निम्न में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो देखिए, कनिष्क के समकालीन इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र हो जाएगा। अश्वघोष तो इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र, कौन सी जिन्होंने किताब लिखी उसका नाम क्या है? बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र को इसको याद कैसे रखें? अब देखिए, अश्व बुद्ध जी जो थे वो अश्व के ऊपर यानी घोड़े के ऊपर बैठ गए थे और सब लोग कह रहे थे इनका चरित्र बहुत अच्छा है। तो अश्वघोष ने कौन सी लिखी है? बुद्ध चरित्र किताब लिखी है। नेक्स्ट मित्रों, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप जी हो जाएंगे जिन्होंने 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। नेक्स्ट मित्रों, कलिंग युद्ध की विजय तथा
क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो ये हो जाएगा अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, कलिंग युद्ध। और ये कलिंग युद्ध हुआ था 261 BC यानी 261 ईसा पूर्व में हुआ था, और कलिंग युद्ध के पश्चात ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट मित्रों, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो कुषाण वंश के जो कनिष्क जी थे इन्होंने ही 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना की थी। और अपन बात करें मित्रों 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट मित्रों, तो मित्रों ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रों में आपके सामने क्वेश्चंस रखे हैं, आप ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन आपको ऐसा दिखेगा, उस पर क्लिक करते ही ऐसे साइन आ जाएंगे जिससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुँचाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।